পূর্বৰ পাপ্পু খ্যাত রাহুল গান্ধী, পূর্বতে কথায় ভাষণে প্রতি ট্রল খোৱা রাহুল গান্ধী, এতিয়া যেন সেই রাহুল গান্ধী নাই। পূর্বতে আপুনি দেখা পোৱা রাহুল গান্ধীক এতিয়া রাহুল গান্ধীর মাজত বিচাৰি নাপায়। এতিয়া রাহুল গান্ধীর ভাষণত দেখা যায় গুরু গম্ভীর্যতা। রাহুল গান্ধীর ভাষণক লৈ চলে সর্বত্রে চর্চা। এই দৃশ্য বুধবারের মহারাষ্ট্রর অমরাবতীত রাহুল গান্ধীর জনসভাত বিড়ি বাট নোপা অবস্থা। মোদীর সভাত এনে ভিড় দেখাহেতেন হয়তো গদি মিডিয়াত জনসমাগমক লৈয়েই মোদী লহর নামাকরণে অনুষ্ঠিত হলেতেন এঘণ্টিয়া আলোচনা। অমরাবতীর সভাতে সংবিধান গণতন্ত্র রক্ষার প্রসঙ্গর পৰা মহিলাসকলক আকর্ষিত করিব পৰাকৈ রাহুল গান্ধীয়ে কৰি গল এটার পাছত আন এটা মহিলা কেন্দ্রিক আসনির ঘোষণা। আর এস এস বিজেপিয়ে প্রথমবারলৈ সংবিধানের উপর আক্রমণ করে হত্যা করব বিচাৰিছে সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা। বিপরীতে ইন্ডিয়া জোটে সংবিধান আর গণতন্ত্র রক্ষা করব বিচাৰিছে। আমার সংবিধানখনক পৃথিবীর কোনো শক্তিয়ে সলনি করিব নোৱাৰে। संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। संविधान हिंदुस्तान दरिद्र दुखिया दलित सकलर कंठ है। आमी साइलोम केने कोई संविधान खन हलनी करे कि हमारे संविधान को कोई भी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। मोदी 22-25 गोराकी विशेष व्यक्तिर लाभर बाबे काम करे। एटा दिखत 22 गोराकी आरोपपति, आनटो दिखत 70 कोटी साधारण जनता। 70 कोटी साधारण जनतार हातत थका धन 22 गोराकी धनी ব্যক্তির হাতত আছে। নোটবন্দী, বিমুদ্রাকরণ 22 গৰাকী লোকৰ বাবে কৰিলে। কৃষকৰ বিল, জিএছটি মাত্ৰ 22 গৰাকী আৰোপপতিৰ লাভৰ কাৰণে আনিলে। 22 গৰাকী লোকৰ 16 লাখ কোটি টকাৰো অধিক কৰ মাফ কৰিলে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৃষক, শ্ৰমিক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যোৱা 10 বছৰে কিমান কৰ মাফ কৰিলে। পিছলে 10 সাল নৰেন্দ্ৰ মোদীজীনে 22-25 लोगों के लिए सब कुछ किया है। हालात यह है कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के हाथों में है। एक तरफ 22 लोग, एक तरफ 70 करोड़ लोग। जितना धन इनके पास, उतना ही धन उनके पास। ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। नोटबंदी 22 लोगों के लिए की, किसान बिल 22 लोगों के लिए किए, जीएसटी 22 लोगों के लिए किया। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने 25-30 लोगों का कर्जा माफ किया है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का, पिछड़ों का, दलितों का, स्टूडेंट्स का नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? किदरे 22 गोराकी आरोपपति ऋण माफ करिले हविस्तारे बुझाई दिले राहुल गांधी। 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब
25 साल का मनरेगा, 16 लाख करोड़ रुपए का मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसे 25 बार करो तो 16 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को 25 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया और फिर कहते हैं कि गरीबों की सरकार चलाते हैं। उन्होंने 22 अरब पतियों की मदद की। साधारण कोटि कोटि जनता केने कोई लाखपति बनाबो इंडिया जुटर सरकारे এই সন্দৰ্ভত ভাষণ ৰাখি ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। মহালক্ষ্মী যোজনাৰ অধীনত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। কুটিৰ ঘৰত আছে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা লোকৰ সংখ্যা। প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাক এবছৰত বেংক একাউণ্টত 1,00,000 টকা ভৰাই দিয়া হ'ব। কোটি কোটি মহিলাক মাহে 8,500 কৈ এবছৰত 1,00,000 টকা তৎক্ষণাত সুমুৱাই দিয়া হ'ব বুলি গেৰাণ্টি ৰাহুল গান্ধীৰ। करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। अब आप कहोगे राहुल जी, इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी? ये आज मैं आपको बताने आया हूं। हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए। सबसे पहला काम महालक्ष्मी योजना, हर गरीब परिवार की हम लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनकी लिस्ट बनेगी। अच्छी तरह सुनिए, और जो यहां महिलाएं आई हैं आप इस बात को अच्छी तरह सुनिए। हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हर साल सीधे बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपया डालने जा रही है। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने ठका ठक। आप अरबपति बनाओ, हम लाखपति बनाएंगे। आप 25 अरबपति बनाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। निश्चय कोई मोदी 22 अरबपतिक धनी करार लेखिया कोई इंडिया जुटर सरकार आहिले কোটি কোটি দৰিদ্ৰ মহিলাক লাখপতি বনোৱাৰ আশ্বাস দিয়ে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিহৰ বাবে দৰিদ্ৰ মহিলাক 1,00,000 টকা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে? তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিলে ৰাহুলে নিজেই। হিন্দুস্তান মে 21ভি সদী মে স্ত্ৰী আৰু পুৰুষ দোনো জব কৰতে হে, সহী সহী। মনৰেগা महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, सही। तो जब आप जॉब करते हो, 8-10 घंटे की जॉब करते हो, स्त्री को भी पैसा मिलता है, पुरुष को भी पैसा मिलता है, सही, ठीक है। मगर हर महिला, इस देश की हर महिला 8 घंटे घर के बाहर जॉब करती है और फिर 8 घंटे घर में जॉब करती है, खाना भोजन बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है, भविष्य की, हिंदुस्तान की
के भविष्य की रक्षा करती है, मगर 8 घंटे के लिए आपको पैसा मिलता है, मगर जो घर में आप काम करती हैं उसके लिए आज तक आपको किसी सरकार ने पैसा नहीं दिया। ये बात शायद पुरुषों को अच्छी ना लगे, मगर ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। देखिए महिलाएं सब मुस्कुरा रही हैं, ये समझ गई बात। इसीलिए हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक 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 टकाटक। एबार भाभी साउक्सुन 2014 চন 2019 চনৰ তুলনাত ৰাহুল গান্ধীৰ কথা বতৰা ভাষণৰ গম্ভীৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পৰিৱৰ্তন আহিল? নিশ্চয়কৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণত জনতাক ভয় খুওৱা বা ভুৱা কথাৰে জনতাক মন ভুলোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণত ধৰ্মৰ ব্যৱহাৰো দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰ বিপৰীতে ধৰ্মৰ আফিঙৰে শান্তিপ্ৰিয় জনতাৰ মাজত বিভাজন কৰি ভূত আদায় কৰাত ব্যস্ত আছে হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যাপক শিক্ষকসকল। ভিডিঅ' এডিটৰ ৱাৰীৰ সহযোগত নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট নাও।